बारह बजे आना, जो हुआ वो बोलना है। लेकिन ना किसी से गन तो मैंने देखा ही नहीं, छीनने की बात है। सीपी मैम ने कहा है कि अपनी बेटी की तरह, ये मुझे उन पे अभी भरोसा है। मैं नीचे जा रही थी शौर्य को प्रोजेक्ट देने के लिए, शौर्य डंडियाल जो मेरा फ्रेंड है, तो उनको प्रोजेक्ट देने के लिए मैं जा रही थी। तो नीचे देखा मैंने दो पुलिस वाले खड़े हैं, तो उनको मैंने बोला, वो बोलने लगे जाने के लिए, तो मैंने बोला सर बस कुछ नहीं, प्रोजेक्ट देना है मेरे को और ये फाइल है तो आपके सामने मैं देख के चली जाऊंगी। तो वो मराठी में मेरे को बोलने लगे, तो मैंने बोला कि मुझे मराठी नहीं आती है सर, आप प्लीज हिंदी में बोलिए। तो शायद कम्युनिकेशन गैप की वजह से, मतलब उनको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, मुझे उनकी लैंग्वेज ढंग से समझ नहीं आती है, उस वजह से थोड़ा मिसअंडरस्टूड हो गया और उसकी वजह से मतलब बहस हो गई। तो बहस क्या, मैंने कुछ बोला ही नहीं उनको, मैं बस उनको इतना बोल रही थी कि सर प्लीज मेरे को बस प्रोजेक्ट देना है। तो वो मेरे पे चिल्ला के बोलने लगे, मेरे को गाली गलौज करने लगे मेरे साथ, तो मेरे को गलत लगा वो सब। तो मैंने सोचा कि मैं उस चीज का वीडियो बना लेती हूँ, तो मैं उनके सामने ही उनका वीडियो बना लग गई। तो शायद उनका ईगो हर्ट हो गया उस वजह से, तो वो मेरे को जान उनके, उसके बाद हम एकदम वीडियो मैंने बंद कर दिया। तो वो अपना नाम वाम, मैंने उनसे नाम वाम पूछने की कोशिश की थी उस वीडियो में, तो और उसके बाद मैंने बंद कर दिया वीडियो। हम हॉस्टल की तरफ, मैं अपने हॉस्टल की तरफ और शौर्य को मैंने कहा जाने के लिए, तो वो फिर हमें रोकने लगे। तो ऑफिसर वो आए, मैंने पूछा उनसे कि सर आप ऑफिसर हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं ऑफिसर। तो मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे पास वीडियो है। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और फिर वो ऑफिसर को बोलने लगे कि, मेरे को बोला कि तू अंदर जा और इसको लेकर चलो, ऐसे करके कि लड़के को लेकर चलो। तो मैंने बोला कि, मैंने कुछ नहीं बोला, वो उसको मारने लगे वहां, तो मैं फिर से वीडियो बनाने लगी। मैं कुछ नहीं बोल के साइड में वीडियो बना रही हूँ। तो जो वहां पे लेडी थी वो मेरे पास आके मेरे को मारने लग गई, मेरा फोन छीनने लग गई मेरे से कि तू वीडियो कैसे बना रही हो। पुलिस कमिश्नर ने इस पे एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई है। जम्मू कश्मीर में भी इस पर गवर्नमेंट ने भी इंटरफेयर किया है, तो सच क्या है, लेकिन हमारे हिसाब से जो उस पर ब्लेम लगाया गया वैसी बात है नहीं। इसमें बड़े ऑफिसर की गलती नहीं है, गलती क्या हुई है, नीचे रात को नेचुरली पुलिस वाले जो होते हैं रात को 12 बजे जो राउंड करते हैं, तो कभी कभी उनकी लैंग्वेज हर्श होती है, उनको ये पता नहीं, उन्होंने कुछ वर्ड्स बोले होंगे, इस लड़की ने कहा होगा कि मुझे ऐसे मत बोलिए, यहां तक ये इशू था। पुलिस के कुछ ऑफिसर शायद उसको मारने के बाद डर गए, नीचे वाले मतलब डर गए, उन्होंने सोचा कि अगर ये इशू बन जाएगा तो हमारा साइड सेफ होना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। जो इंक्वायरी है उसमें जो सच बाहर आएगा।